एवरीवन, मैं रेखा मीणा फ्रॉम जीपीसी प्रतापगढ़, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डीसी सीरीज मोटर कहाँ काम आता है। तो जहाँ पर हमारे स्टार्टिंग में ही हाई टॉर्क चाहिए होता है, यानी कि जो मशीन हमको स्टार्टिंग में ही हाई लोड और हाई टॉर्क पर स्टार्ट करनी हो, तो जैसे कि ट्रैक्शन मोटर, ठीक है, तो उनके लिए हम डीसी सीरीज मोटर काम में लेते हैं। और बात करें इक्विवेलेंट डायग्राम का, तो ये हमारा डीसी सीरीज मोटर का इक्विवेलेंट डायग्राम होता है। यहाँ पर VT इज द टर्मिनल वोल्टेज, R इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, L इज द आर्मेचर इंडक्टेंस, और ये हमारा आर्मेचर है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की मोटर में जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर के सीरीज में होता है, इसलिए हम इसको डीसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। लेकिन हमारा अगर बात करें डीसी शंट मोटर का, तो उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के तरह से पैरेलल में होती है। तो अब हम इसका स्पीड कंट्रोल, स्पीड और मतलब स्पीड हमारा किसकी चीज़ पर डिपेंड करता है वो हम देखेंगे पहले तो। और जैसा कि हम जानते हैं सीरीज मोटर व शंट मोटर दोनों में ही स्पीड हमारा स्पीड वोल्टेज और एम्पीयर करंट में रिलेशन होता है, V is equal to V minus IA RA upon KB5, ठीक है। और जस्ट ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। तथा यहाँ पर बात करें शंट फील्ड वाइंडिंग की, तो वहाँ पर शंट मोटर में फाइ डिपेंड करता है फील्ड करंट पर, लेकिन सीरीज मोटर में फाइ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, ठीक है, ये हमारे आर्मेचर में फ्लो होने वाले करंट पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारा फाइ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाइ इज इक्वल टू KI IA, जहाँ पर KI इज द कॉन्स्टेंट, KI यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब और बात करें हम सीरीज मोटर में टॉर्क की, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA into φ, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा टॉर्क TA is equal to KB IA φ। अब यहाँ से हम देखें तो टॉर्क हमारा करंट और फ्लक्स पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे KB इज द कांस्टेंट, ये एक नियतांक होता है। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 व इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 व 3 का मान इक्वेशन 1 में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारे पास इसको हम मिटा देते हैं, n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू V माइनस आई ए क्या हो जाएगा, यहाँ से आई ए हमारा टॉर्क, यहाँ TA इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा KB IA, और यहाँ पर फाइ का वैल्यू सर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करने पर KI IA, ठीक है। तो ये टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, KB KI I² ये हमारा टॉर्क हो गया। टॉर्क को हम तो IA की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी, रूट अंडर TA by KB KI, ठीक है, ये हमारी टॉर्क, ये हमारे यहाँ से
आईए की वैल्यू निकल के आई है। इस आईए की वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आर है पावर, ये हो गया रूट अंडर टी अपॉन के बी के आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे के बी और यहां से फाई का वैल्यू क्या होगा हमारा के आई और आई का वैल्यू क्या है हमारा ये वाला अगेन टी अपॉन के बी के आई, ठीक है। तो ये हमको इक्वेशन नंबर इसको अगर फोर लिखे तो ये इक्वेशन फोर हो गई। अब हम आगे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा स्पीड वोल्टेज व टॉर्क में क्या रिलेशन होता है वो निकल के आएगा। तो n क्या हो गया हमारा, n इज इक्वल टू v रूट अंडर के वी के आई माइनस आर ए सॉरी बी अपॉन ये क्वेश्चन, हम इसको डिफरेंट करें माइनस के पहले वाले पार्ट को अलग माइनस के बाद वाले पार्ट को अलग करें तो यहाँ पे हो जाएगा के बी के आई से क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये बचा यहाँ पे रूट अंडर के बी के आई, ठीक है। इस रूट वाले क्या है रूट के अंदर है तो रूट के बी के आई से के बी के आई को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा हमारा ऊपर के बी के आई इंटू रूट टी, मल्टीप्लिकेशन में क्या बचेगा रूट टी और यहां पे क्या बचा हमारा आर ए, ये क्या हो गया इससे नया था हमारा रूट टू के बी के आई और ये रूट अंडर के बी के आई, तो रूट अंडर के बी के आई इंटू रूट अंडर के बी के आई क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा और इस टॉर्क टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा के बी के आई, यही बचेगा। आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आर ए रूट अंडर टी अपॉन के बी के आई डिवाइडेड बाई के बी के आई रूट अंडर, ठीक है, ये रूट में है तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे दोनों, ये रूट अंडर के बी के आई हो जाएगा इससे कैंसिल आउट होने के बाद और ये रूट अंडर के बी के आई इंटू रूट अंडर के बी के आई हमारा के बी के आई हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा, और ये रूट अंडर टी से रूट अंडर टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारा इक्वेशन आया। अब इसमें हम एन इज इक्वल टू बी अपॉन के रूट अंडर के बी के आई को अगर हम ए लिखें तो ए डिवाइडेड बाय रूट टी माइनस के बी के आई को हम बी लिखें तो आर इन टू बी, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको इक्वेशन को, जहां पर ए हमारा क्या है, ए है हमारा वन बाय रूट अंडर के बी के आई और बी क्या है हमारा वन अपॉन के बी के आई, ये हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ से इसका वैल्यू ए लिख दिया और इसका वैल्यू हमने वन अपॉन के बी के आई का बी लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, एक रिलेशन आ गया कि वोल्टेज टॉर्क व आर्मेचर रेजिस्टेंस, हमारी स्पीड सीरीज मोटर की बात करें तो हमारी स्पीड ऑफ सीरीज मोटर डीसी सीरीज मोटर किस किस पर डिपेंड कर रही है, तो आर्मेचर को दिए जाने वाले वोल्टेज पर, दूसरा टॉर्क पर, तीसरा रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर। अगर हम डीसी सीरीज मोटर में कोई बाहर रेजिस्टेंस यूज ना करें तो ये आर ए बहुत ही स्मॉल होता है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू बी ए
अपॉन रूट टी, और ये वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है, नेग्लिजिबल माने तो बहुत अल्प होती है, तो इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा ये दूसरा रिलेशन क्या आ गया, अब हमारा स्पीड किस पे निर्भर कर रहा है, टॉर्क पे। अगर हम इसके यहां से मिटा देते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं। अगर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार होंगे, ये इस प्रकार होंगे, ये हमारा हो गया टॉर्क, ये सॉरी हमारा स्पीड, और ये हमारा हो गया टॉर्क। अब यहाँ पे टॉर्क और स्पीड क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तथा अलग अलग वोल्टेज के लिए यह कर्व डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ये इस तरह से कर्व बनता है हमारा टॉर्क और स्पीड के बीच में। और अगर अगर हम आर्मेचर में डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई करें, तो ये कर्व इस तरह से होगा। ये क्या हो गया हमारा वी वन, और ये वी टू के लिए। तो यहाँ पर क्या है, वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, यानी कि वोल्टेज बढ़ने पर ये कर्व क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये तो हो गया हमारा जब हमारा आर आर ए बहुत ही कम है, आर्मेचर में हमने कोई बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं किया है, और अगर हम कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करते हैं, तो फिर ये वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं होगी, इसे भी हमने साथ में लेना पड़ेगा। तब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार बनेंगे, वो हमारे आर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर डिपेंड करेंगे। आर ए आर जो हमने बाहर से एक्सटर्नली यूज किया है, तो उस टाइम पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आर वन, ये आर टू, और ये आर थ्री। यहाँ पर आर वन इज लेस देन आर टू इज लेस देन आर थ्री, सॉरी ये आर थ्री, आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, इक्वेशन से देख सकते हैं, आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी स्पीड हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये कर्व भी डाउन होता जाएगा। तो यहाँ पे आर वन आर टू की वैल्यू किस तरह से होनी चाहिए, स्पीड की वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पे आर वन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, आर टू से आर थ्री सबसे कम होगा। ठीक है, तो क्योंकि इस इक्वेशन से देख सकते हैं आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, हमारी स्पीड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर डाउन होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू कम होती जाएगी, माइनस आउट होती जाएगी। तो यहाँ पे इस कर्व से देखें, तो यहाँ पे सबसे कम स्पीड कहाँ पे है, यहाँ पे मिल रही है हमको, तो ये यहाँ पे आर आर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसलिए आर वन ग्रेटर देन आर टू ग्रेटर देन आर वन ग्रेटर देन आर टू, आर टू ग्रेटर देन आर थ्री। इस तरह से हमारे पास डीसी सीरीज मोटर के कर्व आते हैं। अब बात करें हम इसका स्पीड कंट्रोल हम कैसे करते हैं, तो स्पीड कंट्रोल के लिए हमने ये पहले से ये डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में अगर हम देखें, तो यहाँ पर हम इनपुट में सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये है हमारा ये डायोड हो गया, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, और ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, इस प्रकार की मोटर में ये SCR है, और ये हमारी आर्मेचर हो गई, और ये हमारी डीसी सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हमारा इसमें क्या करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से हम मोटर को ऑन कराते हैं। तो जब हमारा वोल्टेज इसके बी ए जो हमारा यहाँ से क्या होगा, पहले हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा जब हम सप्लाई देंगे, तो जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, और एक वैल्यू जहाँ पर बी सी का वैल्यू डायरेक्ट ब्रेक ओवर वोल्टेज प्लस वी ए के बराबर होगा, डायरेक्ट ब्रेक ओवर वोल्टेज को हम बी सी इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी ए, ये है डायरेक्ट का ब्रेक ओवर वोल्टेज, प्लस ये वोल्टेज
प्लस इस वोल्टेज के हमारा ये वोल्टेज होगा तो हमारा क्या है यहाँ पर एससीआर ट्रिगर हो जाएगा तथा हमें यहाँ पर क्या होगी हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। और एक बार जब मोटर ऑन हो जाती है डीसी सीरीज मोटर की बात करें तो फिर उसके बाद क्या होता है उसमें बैक ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, और एक साथ में रेजिडुअल फ्लक्स भी आता है। तो जैसे ही हम सेकेंड, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये ऑन हो जाएगा। और नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा कि यहाँ पर ये हमारा ऑफ हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारे यहाँ पर कुछ रेजिडुअल फ्लक्स इस वाइंडिंग में बचेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा। इस तरह से ये हम यहाँ पर जो फायरिंग एंगल आर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर की चार्ज होने की रेट को नियंत्रित कर सकते हैं। कैपेसिटर की चार्ज होने की रेट से ही यहाँ पर क्या होगा कि किस टाइम पे जाकर ये एससीआर ऑन होगा और हमारी मोटर ऑन होगी और इसकी स्पीड उस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है कि हम डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और स्पीड वोल्टेज व टॉर्क में क्या रिलेशन है और ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। थैंक यू।